हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले एक आईटी कंपनी से रिलेटेड। पहले मैंने कभी उसके बारे में चर्चा नहीं करी, ओके। उससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगा। और अगर बात करें, अच्छा शेयर मुझे लगता है, ओके। वॉलेटाइल है थोड़ा सा, और उसके सारे पैटर्न मैंने देखे हैं तो काफ़ी बेहतरीन शेयर मुझे नज़र आता है। बेहतरीन का मतलब कि हाँ, आप उसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, इस तरीके का शेयर। और हम कभी भी जब आईटी शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं तो हम हमेशा बड़े बड़े शेयर की बात करते हैं, तो हम छोटे जो शेयर होते हैं, स्मॉल कैप हो गए या माइक्रो कैप हो गए या फिर मिड कैप हो गए, उनकी बातें कम करते हैं, ओके। बट अगर कोई कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट दे रहा है, एक छोटा सा भी शेयर स्मॉल कैप, तो उस शेयर की तरफ आपको नज़रें बना के रखनी चाहिए। आपको रिटर्न अच्छे दे रहा है, उसका चार्ट पैटर्न अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जहाँ पर लार्ज कैप में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, मिड कैप में उससे कम करते हो, स्मॉल कैप में और कम करते हो, माइक्रो कैप में और कम करते हो, इसी तरीके का एक रेशो लेके आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी तरीके से इन्वेस्ट करना भी चाहिए। और स्मॉल कैप कंपनी ही चल के आगे चल के मिड कैप बनती है, मिड कैप ही आगे चल के लार्ज कैप बनती है, इस बात को भी हमेशा याद रखना। तो दरकरार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और अच्छा है शेयर या नहीं है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो चीज़ समझ के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और आज के दिन बहुत सारी वीडियो, मैंने तीन वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, IRCTC, हिंदुस्तान फूड्स, अडानी गैस नीचे आया है, क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर वॉलमार्ट अडानी, यहाँ पर वॉलमार्ट और अडानी ग्रुप जो फ्लिपकार्ट है उसकी डील हुई है, उससे रिलेटेड एक वीडियो है। अगर बात करें यहाँ पर स्पुतनिक को इजाजत मिल गई है तो किस शेयर को फायदा होगा, इसके अलावा एक शेयर और है जो आज 20% भागा है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड वीडियो था। ये वीडियो की तरफ चलते हैं। बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आप इनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। एज वेल एज बात करें यहाँ पर एक और लिंक है एंजल ब्रोकिंग के, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करें, आपका ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट दोनों इकट्ठे एक ही साथ ही खुल जाएंगे और कोई भी चार्ज लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके लिए रहेगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, पहले उसके कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। अगर हम पैरामीटर देखते हैं तो वन डे, आज के दिन जब मार्केट गिरी हुई थी, इस पर्टिकुलर शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, एज वेल एज 3% की यहाँ पर जंप है। वन वीक पॉजिटिव, वन मंथ पॉजिटिव, थ्री मंथ पॉजिटिव, अगर बात करें एक साल की 220% के रिटर्न दिए हैं, टू ईयर में 53% के, थ्री ईयर में 76%। तो आप समझ सकते हैं कि ये शेयर पहले ऊपर गया होगा, फिर इसके बाद नीचे गया है, फिर उसके बाद अभी दोबारा इसने अच्छी खासी जंप लगाई है। अगर बात करें 10 साल की तो 842% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। तो आइए वीडियो की तरफ और भी चलते हैं। तो बात करें इस शेयर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर देखिए वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, तो इसलिए बताना चाहता हूँ इसमें पैसा कम ही लगाना है और उन्हीं लोगों को लगाना है जो रिस्क ले सके, जो इस वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सके, जिनके लिए रिस्क लेना मजे की बात है तो गेन लेना भी अच्छा खासा होने लगता हो, वो इसमें इन्वेस्ट करें, एज वेल एज यहाँ पर देख सकते हैं। बट यहाँ पर अगर देखें तो 126 रुपये पे ये शेयर चलता था, और अगर बात करें 273% के रिटर्न इसने विद इन वन ईयर में यहाँ पर देते हुए हमें नजर आया है। एज वेल एज यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन 52 वीक हाई इसने लगाया 467 रुपीज़ का, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखें 12 अप्रैल आज की डेट है, 467 रुपीज़ का 52 वीक हाई है। लो की बात करें 127 रुपये का लास्ट ईयर 20 मई को यहाँ पर शेयर था। डिलीवरी बेसिस पर लगभग 100,000 शेयर यहाँ पर उठाए गए, 40% के शेयर। अगर बात करें कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इन शेयरों के बारे में मोस्टली लोग बात करते नहीं है, ओके, और तो इसलिए लोगों को पता भी नहीं रहता। मुझे भी अभी मैंने ढूंढा तो मुझे पता चला, तो फिर मैं इसके रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं 70%, पब्लिक FIIs DIIs अगर सबको मिला दे तो 25% की होल्डिंग यहां पर हमें नजर आती है। इसके अलावा डिविडेंड, तो कंपनी डिविडेंड भी देती है, 2019 में दो बार डिविडेंड दिया है, 20 में इसने एक बार, और 2020 में भी यहां पर दो बार डिविडेंड देता हुआ हमें नजर आया। इसके अलावा कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, तो अभी तक जो हमें पता चला, देखिए चार्ट पैटर्न वॉलेटाइल है बट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर एक चीज। और अगर बात करें यहां पर
पर कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। तो कंपनी का नाम क्या है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है सैकसॉफ्ट लिमिटेड, आईटी कंपनी से रिलेटेड ये शेयर है। अगर इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी काम करती है, डिजिटल सॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज वेल एज बात करें यहाँ पर फिनटेक, हेल्थ केयर रिलेटेड, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, पब्लिक सेक्टर, जो TCS वगैरह जिस कंपनी जिन सेक्टरों में काम करती है आपको नजर आती है बड़ी बड़ी, उन्हीं सेक्टर में ये कंपनी काम करते हुए हमें नजर आती है। टेस्टिंग, QA, सपोर्टिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, ओके, तो ये ऑटोमेशन सब जगह यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इको सॉरी रिटेल कॉमर्स, पब्लिक सेक्टर, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लाउड वगैरह, AI सभी चीज़ में यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये कंपनी मुझे तो यहाँ पर अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, ओके। और एज वेल एज़ यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर दिखा देता हूँ, ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कंपनी काम करती है। मार्केट कैपिटल, तो सबसे पहले मार्केट कैपिटल देख रहे हैं, 442 करोड़। माइक्रोटेक कंपनी है, मतलब छोटी कंपनी है, तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पर इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो खुद की स्टडी करके ही, ओके, उनकी फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लेके फिर इसमें इन्वेस्ट करना है। एज वेल एज ROC की बात करें, 25-26% की इसमें यहाँ पर ROC है, जो कि काफ़ी अच्छी है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी का डेट है, और प्लेजिंग कोई भी इनकी प्लेजिंग नहीं है। अगर इसके अलावा और बात करते हैं कंपनी यहाँ पर सेल्स, तो देखिए क्वार्टरली सेल्स आप देख सकते हैं बढ़ते हुए मैनर में है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, इतना अट्रैक्टिव नहीं है जिस तरीके से दूसरी बड़ी कंपनियों के होते हैं, हाँ, बट स्टिल यहाँ पर बढ़ते हुए मैनर में है, जो कि हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 11 करोड़ का प्रॉफिट 18 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो गया है। नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, 7 करोड़ रुपये का प्रॉफिट 12 करोड़ का प्रॉफिट में चेंज हो गया है, और इस बार का जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा हुआ है पिछले 3-4 साल के क्वार्टर के रिजल्ट्स में। ईयरली बेस पर ही बात करते हैं, 2009 में देखिए सेल्स 120 करोड़ की थी, जो कि बढ़ते बढ़ते कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और इस बार सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है पिछले 12 महीने 381 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 14 करोड़ का प्रॉफिट 63 करोड़ के प्रॉफिट में, जो सबसे ज़्यादा है इस बार का। हाँ, और बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो 10 करोड़ का प्रॉफिट 43 करोड़ के प्रॉफिट में यहाँ पर चेंज हो गया। तो कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पर आपको रिटर्न्स देती हुई नज़र आ रही है, कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज़ कंसिस्टेंटली डूइंग बिजनेस, तो ये अच्छी बात होती है, और इसी तरीके की कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, याद रखना। रिजर्व्स की बात करें, 31 करोड़ का रिजर्व्स, 220 करोड़ का रिजर्व्स हो गया है कंपनी के पास, क्या पहले बहुत ज़्यादा बोरिंग थी 55 करोड़ की, जो अभी घटते घटते 27 करोड़ की रह गई है, जो कि अच्छी बात है कि बोरिंग कम हो रही है। इंटरेस्ट की बात करें, 10 करोड़ रुपये का इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश की बात करें, 68 करोड़ रुपीज़ का कैश भी है। टोटल एसेट बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, फिक्स एसेट भी देखिए अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं कैश फ्लो अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग 69, FIIs है बट ज़्यादा नहीं है, वही 1% के आसपास। DIS की बात करें, DIS में यहाँ पर हमें नज़र आ जाएंगे, DIS अगर है तो यहाँ पर आप देख लेते हैं। हाँ, तो देख लीजिए इन लोगों ने अच्छे खासे इन्वेस्ट कर रखा है। भरतम एंड ये कंथी मथिन नथन जो ये है, इन्होंने एक 1.41% की हिस्सेदारी ले रखी है, बाकी 23% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास हमें नज़र आती है। बाकी इनका कुछ ट्रस्ट है, इन्होंने उसमें 5% की हिस्सेदारी इन ट्रस्ट के नाम पर दे रखी है। तो एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन, ओके, सब कुछ नॉर्मल है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है और इतना घटिया भी नहीं है। तो कंपनी कंसिस्टेंटली बिजनेस परफॉर्मेंस करती आ रही है, और ऐसी परफॉर्मेंस करती रही तो आज ये माइक्रोटेक है, फिर स्मॉल कैप में चेंज रहेगी, स्मॉल कैप के बाद अपना रेवेन्यू जैसे जैसे इसका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंपनी बिजनेस करती जाएगी, वैसे वैसे कंपनी रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी, स्मॉल कैप में आएगी, मिड कैप में आएगी और लार्ज कैप में आएगी, और इसी तरीके से कंपनी काम भी करती है। टेक्निकल की भी अगर कुछ बातें कर लेते हो तो यहां पर देख लीजिए, ऑल टाइम हाई पे ये शेयर चल रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं आज के दिन ही इसने ऑल टाइम लगाया है, इसके बाद नीचे आ गया क्योंकि मार्केट में यहां पर गिरावट थी। RSI की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 69 की RSI पे है, कभी नीचे मिलता है मौका, बट अभी रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं, IT कंपनी इज डूइंग वेल, लॉकडाउन की न्यूज़ें आ रही है, तो ये कंपनी शायद बढ़ती हुई नजर हमें आएगी भी, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है।
कंसोलिडेशन होता है, इसी तरीके का देखिए चार्ट पैटर्न बनाते हुए हमेशा नज़र आ रहा है और इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो कभी बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है, अगर नीचे शेयर आता है तो वहाँ पर खरीदना एक अच्छी सलाह रहेगी। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पर आती रहे और हमें एक फैमिली क्रिएट करनी है जो कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच, God bless.